चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। यहाँ की सरकारें नहीं शिक्षा पे ध्यान देती है। अगर सरकार बढ़िया रहती तो शिक्षा एक्टिव रहता, रोजगार के लिए वोट देंगे, स्वास्थ्य के लिए वोट देंगे, शिक्षा के लिए वोट देंगे, इस मुद्दा के लिए हम वोट करेंगे। हम राम मंदिर बना दिए तो अब डेवलप हो गया, हम लद्दाख को 370 धारा हटा दिए तो हम डेवलप कर गए। अभी कुछ युवा ऐसे ही बेरोजगार घूम रहा। नवादा जिला का सांसद चंदन सिंह लोजपा के जो कैंडिडेट थे वो जीत के गए, फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाने आया। बिहार पुलिस का हम लोग अच्छा एग्जाम गया था हम लोग का, अब फिर बाद में घर आया पता चला कि पेपर ही लीक हो गई, हम लोग रूम छोड़ के अब घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। और भी राज्य में शिक्षा व्यवस्था है जहाँ बढ़िया है, मतलब हर चीज़ सरकारी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सब जगह अच्छा ही है, लेकिन इस तरह का मतलब यहाँ की सरकारें नहीं शिक्षा पे ध्यान देती है। अगर सरकार बढ़िया रहती तो शिक्षा एक्टिव रहता। आप तो बहुत सारा दावा कर रही है कि मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नौकरी दे, नीतीश कुमार बोल रहे हैं काम करेगी तब ना। आपका क्या नाम? मेरा नाम महेंद्र चौधरी हुआ, अभी यही हिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट पीजी कर रहे हैं। क्या आप लोग मतलब आप तो वोट भी देते होंगे? जी जी। तो किस मुद्दे पे आप लोग वोट देते हैं, कैसे वोट देते हैं, कि क्या हम मेरे लिए कौन मुद्दा उठा रहा है कि हम उस मुद्दे पे वोट करें? मुद्दा ये नहीं होता है, अभी तो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर, ठीक है ना, तो राम मंदिर तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन मुद्दा इसलिए रहा है शिक्षा रोजगार, सिंचाई दवाई ये भी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मुद्दा वोट इसलिए देंगे क्योंकि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए वोट देंगे, स्वास्थ्य के लिए वोट देंगे, शिक्षा के लिए वोट देंगे, इस मुद्दा के लिए हम लोग वोट करेंगे। और आगे आपका, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अभी हम नवादा जिला के, नवादा जिला नरहट प्रखंड होता है, जानते हैं नरहट प्रखंड? हाँ हाँ, उसी कान को बिया गाँव के रहने वाले हैं जी। तो इतने मान लीजिए 20 साल करीब करीब अब नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रह गए, तो आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है? जो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य पर वोट करेंगे, क्या ऐसा हुआ है? आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 23 वर्ष है। सालों से आप भी देख रहे होंगे, बहुत पहले समझ आई, मतलब क्या बदलाव हुआ है, क्या होना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। बदलाव देखिए, बदलाव मुद्दा ये नहीं, मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ये नहीं होता है कि हम राम मंदिर बना दिए तो अब डेवलप हो गया, हम लद्दाख को 370 धारा हटा दिए तो हम डेवलप कर गए। अभी कुछ युवा ऐसे ही बेरोजगार घूम रहा, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा, 25-26 के उम्र में सब बेरोजगार घूम रहा, तो मुद्दा ये नहीं कहता। और सरकार अगला दावा करता है कि हम राम मंदिर बना दिए, हम वंदे भारतम ट्रेन चला दिए, और बहुत सारे दावे करते हैं, तो इससे थोड़ा हम लोग का, युवाओं का लाभ होगा कुछ? आप क्या सोचते हैं चुनाव, मतलब किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे, वोट करते होंगे? वोट भी हाँ, ये दूसरा बार करेंगे। अच्छा। पहला बार तो किए कि 2 करोड़ रोजगार दिए, वही किए थे 2014 में, फिर दोबारा बोला गया कि फिर रोजगार को हम लोग उत्पन्न करके दे 20 लाख देंगे, 2020 में बोले नीतीश सरकार, उसमें भी नहीं। आपकी राम मंदिर के नाम पर किया जा रहा है, तो हम लोग आपकी तो सीधा रोजगार होगा, शिक्षा पर ही देंगे वोट, आपकी जो हम लोग के लिए, हित के लिए बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। सांसद हैं अभी विजय मांझी गया के, JDU के सांसद हैं, तो कुछ काम किए कि नहीं? आप कुछ नहीं कहा, आज तक हम लोग देखे ही नहीं है, चुनाव जीतला के बाद तक हम लोग पंचायत पहुंचा ही नहीं है। नवादा जिला के सांसद ही एक बार चुनाव जीत के गए, फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाने आया। नवादा जिला का सांसद चंदन सिंह लोजपा के जो कैंडिडेट थे वो जीत के गए, फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाने आया। बताइए, नेक्स्ट बार विवेक ठाकुर आया, वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कोई पता है? कम से कम अपना क्षेत्र घूमना चाहिए ना, सांसद क्यों बनता है? सरकारी नौकरी जो मतलब मान लीजिए अभी मिली, मतलब बहुत लोगों को मिली है, मतलब जो भी पिछले 2-3 सालों में सरकार बोल रही है, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि 8 लाख नौकरी दे दी हमने, क्या ऐसा हुआ है बिहार? आपको का कोई वैल्यू नहीं है, कब पलट जाते हैं उनका कोई पता ही नहीं है, कुछ तो एक आध भरे तो अपना बात पे कायम रहे, कब पलट जाना, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अपना जब बात के बात का ही वैल्यू नहीं है तो क्या बात विश्वास करेंगे हम लोग? शिक्षा को बोलते हैं तो इसी सब अथी कर देते हैं। और 40 सीट है बिहार में, और रेलवे ड्राइवर का 38 को सीट दिया है, 2 को तो कम खुद अच्छी से कम दिया है संसद से। आप तैयारी भी करते हैं? जी तैयारी करते हैं। किस चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे वगैरह का फॉर्म भरते हैं? एक बार ही रेलवे के एग्जाम दिए हैं।
अच्छा, ये पेपर लीक, जब ये सब पेपर लीक हो जाता है बार बार बिहार में, तो आप कभी आप इससे जूझे हैं कि मतलब आप एग्जाम देने गए हो पेपर? हम लोग बिहार पुलिस का, हम लोग अच्छा एग्जाम गया था हम लोग का, और फिर बाद में घर आया पता चला कि पेपर ही लीक हो गई। तो बहुत हर जगह करप्शन ही करप्शन भरा हुआ प्रसर का ऊपर से। लेकिन कब हुआ था पुलिस वाला जो आप बता रहे हैं? 3-4 महीना पहले हुई थी। तो आप एग्जाम दे के आए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया, और एग्जाम दे के घर के आए, और बाद फिर पता चला कि क्वेश्चन ही लीक हो गया है। फिर उसका नोटिफिकेशन आया एग्जाम? अभी कुछ ही नहीं आया है, और सिविल कोर्ट का फार्म भरा साल भर से ऊपर हो गया है, बोला गया था वो जल्द लेंगे। हम लोग उसको तैयारी कर रहे थे, और तैयारी कर रहे थे, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन उसका है ही नहीं। हम लोग रूम छोड़ के अब घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। 2018 से रूम गया, लेकिन मैं रूम लेके रह रहे हैं। अच्छा। और जो कुछ वैकेंसी का कुछ ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ गए हम रखे, सिर्फ बाप माई का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं।